Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So here we are with the new lecture that is on JNU PhD 2021 paper. ठीक है, तो JNU का जो एग्जाम होने वाला है वो आप सबको पता है कि वो दिसंबर 7th को है, दिसंबर 7th 2022 को है. तो हमारे पास लगभग अभी भी हमारे पास 27 डेज की मार्जिन है. ठीक है, सो 27 डेज में जितना हो सके, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है आप उस पर अच्छे से फोकस करो. ठीक है, क्योंकि JNU का जो एंट्रेंस PhD का होता है वो काफ़ी ही डिटेल क्वेश्चंस पूछता है. ठीक है, अभी तक हमने जो देखा है रिसर्च के क्वेश्चंस देख चुके हैं. ठीक है, रिसर्च मेथडोलॉजी के बेसिकली हम क्वेश्चन देख चुके हैं. ठीक है, प्लेगरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस देख चुके हैं. ठीक है, अब तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटेशन पे आएगा. इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब एनालिटिकल, एनालिटिकल केमिस्ट्री पे क्वेश्चंस पक्का आता है. डोंट मिस दिस वन, एनालिटिकल केमिस्ट्री को मिस मत करना, कुछ भी हो जाए. ठीक है, तो इन्वायरमेंटल साइंस में हम आज लेक्चर 3 शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो ये हमारा तीसरा लेक्चर चल रहा है. आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो, बट डिटेल में पढ़ो, डिटेल में नोट्स बनाओ, अगेन प्रिपेयर करो अच्छे से, तभी होगा. ऐसा नहीं होगा, हवाबाजी मत करो. ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो. चलो बिगिन करते हैं. तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहा है आपको, ये क्या पूछ रहा है कि गिवन बिलो आर दी टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दे रखा है. जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि इन ए सैंपल डिफरेंस बिटवीन द डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द पैरामीटर इज टर्म्ड एज बायस. ठीक है, ये 100% करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, क्लोजनेस ऑफ ए रिजल्ट ऑफ रिपीटेटिव मेजरमेंट्स ऑफ ए पैरामीटर इन ए सैंपल is an indicator of a good precision, though the average result is not close to the true value. Clear है? समझ में? तो ये वो चीज बोल रहा है. सपोज करो कि मैं अगर बात करता हूं कि इन द लाइट ऑफ एवर स्टेटमेंट को पूछा है, तो वो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हमने ये ऑप्शन लगा दिया. ओके, तो जैसे ही वो बोल रहा है कि जो बायस होता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एस्टिमेटर एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर. ठीक है, अगर कोई वैल्यू तुम एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है, और कोई वैल्यू दे रखा है, कोई एक ट्रू वैल्यू दे रखा है. ठीक है, एस्टिमेट वैल्यू की अगर मैं बात करूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एस्टिमेटर जो है वो एक एक्सपेक्टेड वैल्यू देगा, मतलब कि सचिन एज 35 रन्स स्कोर करेगा. ठीक है, जबकि मैच में जो उसने स्कोर किया है वो 36 किया है, 36 रन्स किया है. क्लियर है? तो ये होता है क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर एंड ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर. तो पैरामीटर जो था उसका रन बनाने का था, उसने 36 रन बनाया, बट एस्टिमेटर के किया 35 रन बताया था, प्रेडिक्ट किया था, एक्सपेक्टेड किया था. ठीक है, तो यही वो बोल रहा है. जो बायस है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर से निकाला जाता है. दिस पैरामीटर जो बायस बोला जा रहा है, ये निकाला कैसे जाता है उस चीज की बात कर रहा है, तो ये डिफरेंस करके ही निकाला जाता है. क्लियर है? तो यहाँ पे एक चीज बता रहा है कि इफ द बायस of an estimator of a parameter is zero, the estimator is said to be unbiased. मतलब समझते हो? मतलब क्या? अगर estimator ने बोल दिया था कि if the bias of an estimator parameter is zero, the estimator is said to be unbiased. ठीक है? मतलब क्या है? कि 36, 36. अगर मैं बोलूँ कि expected value भी जो बोला है estimator ने वो 36 आया है, और जो estimator और जो parameter है वो भी 36 ही है. ठीक है, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो. ठीक है, तो बोलता है क्या है, द बायस, इफ द बायस ऑफ एन एस्टिमेटर ऑफ ए पैरामीटर इज जीरो.
है, अगर ये जीरो है, इसका मीनिंग क्या है कि दोनों ने जो एस्टिमेट किया है वो डिफरेंस जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है, ये समझ के चलो। सो देन द एस्टिमेटर सेज टू बी अनबायस्ड, इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर एज इट एस्टिमेट्स, क्लियर। अदरवाइज द एस्टिमेटर सेज टू बी बायस्ड, अगर सही रन बता रहा है तो सही है, अदरवाइज ये बायस है, ये चीज उसने समझाया, क्लियर है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें बताने की जरूरत थी क्योंकि ये सैंपल का डेफिनेशन में ही आ जाता है। फिर आता है क्या, सेकंड स्टेटमेंट, तो क्या बोलता है, द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एक्यूरेट वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी, इन अदर वर्ड इट इज क्लोजनेस टू द मेजर्ड वैल्यू और द स्टैंडर्ड वैल्यू और द ट्रू वैल्यू, क्लियर है। फिर आता है क्या, द क्लोजनेस ऑफ द टू और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर इज नोन एज प्रिसीजन ऑफ ए सब्सटेंस। तो यहाँ पे क्या बोला कि अगर मैं एक रिपीटेटिव मेजरमेंट कर रहा हूँ, मतलब सपोज करो कि एक इंस्ट्रूमेंट में मैं बार बार मेजर कर रहा हूँ और मेरी वैल्यू जो है वो 35 आ रही है, मेजरमेंट वन में भी 35, मेजरमेंट टू में भी 35, मेजरमेंट थ्री में 35, गुड प्रिसीजन है, प्रिसीजन जो है काफी गुड है, ठीक है। तो द एवरेज वैल्यू रिजल्ट इज नॉट क्लोज टू, कभी कभी क्लोज हो सकता है क्योंकि इसका एवरेज करोगे तो भी 35 ही देगा वो, ठीक है, एवरेज करके डिवाइड करोगे तो भी 35 देगा, बट कभी कभी क्लोज नहीं भी हो सकता है ट्रू वैल्यू पे, ठीक है, बट स्टिल प्रिसीजन जो होगा काफी अच्छा होगा क्योंकि सब जो वैल्यूज हैं वो पास है। क्लोजनेस, क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट जो क्या बताता है, तुम्हारा प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट बताता है, क्लियर है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट था ये ट्रू था, ये एक्चुअली में फिजिक्स का पार्ट है, एक तरीके से फिजिक्स में भी ये चीज पढ़े हुए हो, ठीक है, प्लस टू के फिजिक्स में दिया हुआ है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में, तो वहां से भी आपने ये चीज को देखा होगा, क्लियर। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, बोलता है क्या, ए वाटर सैंपल हैज ए सैलिनिटी ऑफ 40 पार्ट्स पर थाउजेंड, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट परसेंटेज मेजर। बहुत ही सिंपल है, देखो मैं अगर बात करता हूँ 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट, ठीक है, ये मेरा 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट है, ठीक है, ये मेरा 1000 ग्राम ऑफ वाटर है, क्लियर। तो क्या हुआ, अगर मैं यहां से परसेंटेज निकालूं तो 40/1000 × 100 क्या निकल के देगा, 4%। देखो थोड़ा सही से, आंसर क्या होना चाहिए, 4%। इसका मतलब क्या है कि 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, वही बोला जा रहा है, पार्ट्स का मीनिंग भी वही है, 40 पार्ट्स पर 1000 का मीनिंग भी यही है, क्लियर। दिमाग में ये प्रिंट कर लो, इसमें गलती मत करना, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट क्लार्क सेंसर इज यूज्ड क्लिनिकल लेबोरेटरीज फॉर मेजरिंग। तो ये है क्लार्क इलेक्ट्रोड ऑक्सीजन सेंसर, ठीक है, इट मेजर्स ऑक्सीजन लेवल इन लिक्विड यूजिंग ए कैथोड एंड एनोड सबमर्ज्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइट। द क्लार्क इलेक्ट्रोड वॉज इन्वेंटेड टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल्स इन द ब्लड ड्यूरिंग कार्डियक सर्जरी। सिंपल सी बात है, टूडे इट इज कॉमनली यूज इन ए पोर्टेबल ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस दैट रिक्वायर्स ए ड्रॉप ऑफ ए ब्लड। ये होता है, हाथ में पिंच कर दो खून आ जाता है, इसमें थोड़ा सा खून आ जाएगा और ये खून को आप टेस्ट कर लेते हो। ओके तो ये एक पिक्टोरियल सिंबल है क्लार्क सेंसर का, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, तो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इन ब्लड में ये मेजर होता है, तो याद रखो क्लार्क इलेक्ट्रोड ऑक्सीजन सेंसर करता क्या है, इट शुड बी क्लियर। ओके नाउ ये जो क्वेश्चन था काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है,
ठीक है, दिस इज़ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। तो सी ओ की जो स्ट्रेचिंग है और सी एच की स्ट्रेचिंग है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी की स्ट्रेचिंग है, ओ एच की जो स्ट्रेचिंग है, ठीक है, इन सब का आंसर तो आपको डायरेक्टली ही बनाना होगा। इसके लिए आप कोई उपाय नहीं, क्योंकि ये फैक्चुअल बेस्ड है। तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको सीधा अप्लाई करना होगा यहाँ पे। क्लियर? तो ये क्या दिखाता है? ये आयर स्पेक्ट्रम एंड चार्ट्स के बारे में। तो आयर स्पेक्ट्रम टेबल इज ए चार्ट फॉर यूजिंग ड्यूरिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। द टेबल लिस्ट आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी फ्रीक्वेंसी रेंजेस, अपेरेंस ऑफ द वाइब्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इस चीज पे डिपेंड करता है। देर आर टू टेबल्स ग्रुप्ड बाई द फ्रीक्वेंसी रेंज एंड कंपाउंड क्लास। ठीक है, दो टेबल मौजूद हैं जो कि ऐसे बनाए गए हैं, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो। इनमें से कौन सा आपको जो अच्छा लगेगा आप उसको ट्राई कर लेना। जैसे क्वेश्चन में आएगा उस हिसाब से ट्राई करना। क्लियर है? तो देखते हैं इसको अच्छे से क्या है। देखो ये सब है, इसको मैं एक एक 30-30 सेकेंड्स के लिए आपके लिए मैं इसको ओपन करके रखूंगा इस वीडियो में, ताकि आप इस चीज को अच्छे से पढ़ सको और देख भी सको। ओके, सो आई विल नॉट स्पीक इन नाउ बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू दिस एब्जॉर्प्शन बैंड एज वेल एज कंपाउंड क्लासेस एंड ग्रुप्स। सो यू शुड सी इट एंड राइट इट डाउन व्हाइल आई वॉज एक्सप्लेनिंग इट टू यू। एसिड हैलाइड, एल्कोहल्स, सी डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग, ओ स्ट्रेचिंग, देयर सो मेनी ओ स्ट्रेचिंग्स, ओ बेंडिंग इज ऑल्सो देयर, एल्डिहाइड, सी एच स्ट्रेचिंग, सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग, सी एच स्ट्रेचिंग। कंपाउंड में जो बॉन्ड्स है ना उसकी बात चल रही है। ठीक है, हर कंपाउंड में एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड की बात चल रही है। रेंजेस वगैरह अच्छे से याद कर लो, देखते रहो। ठीक है, खोल के रखा हुआ है आपके लिए, आप ताकि आप लिख सको अच्छे से। नेक्स्ट, एलिफेटिक, अमीन्स, अल्कीन, सी एच स्ट्रेचिंग, सी एच बेंडिंग, सी एच बेंडिंग, सी एच बेंडिंग, सी एच स्ट्रेचिंग, सी डबल बॉन्ड सी 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 डबल बॉन्ड सी बेंडिंग। तो इतना अगर सी एच स्ट्रेचिंग के बाद दिया है तो आप इसको क्या, इसको याद कर लो रेंज को। जैसे कि 1 6 7 8 से ये 1 6 8 8 है, तो उसी तरीके से इसकी जो स्ट्रेचिंग यहाँ से हो रही है 6 4 8 से 6 3 8 का जो रेंज है उसमें क्या आ रहा है अपना, सी डबल बॉन्ड सी का स्ट्रेचिंग आ रहा है। तो एक बार में ना आप रेंज याद कर लो, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी। बस स्ट्रेचिंग का रेंज याद करो कि कितने से कितने के बीच में है। इसका लोअर लिमिट कितना है? 638, 638। और इसका अपर लिमिट कितना है? 1678। क्लियर है? तो इतना याद करने की जरूरत है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगेन बेंडिंग का याद कर लो, एल्कीन का याद कर लो, एलेन, एमाइन, एमाइन सॉल्ट्स, एनी हाइड्राइड, लॉट्स ऑफ कंपाउंड्स आर देयर। तो इतना तो आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, रेंज याद करो, कम से कम ये जो रेंज है ना, रेंजेस को याद करो ताकि गलती ना करो। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, इसको लिखते रहो। गुड, और भी है, कार्बोक्सिलोड, कार्बन डाइऑक्साइड का भी है, कार्बोडीमाइड का भी है, अजाइड का भी है, एरोमेटिक एस्टर्स का भी है, सीएन स्ट्रेचिंग का भी है, अब कंजुगेटेड एसिड्स के हैं। ठीक है, फ्लोरो कंपाउंड्स के हैं। क्लियर? देखते रहो कौन कौन सा क्या क्या है। ठीक है, इफ नेसेसरी आई विल शेयर यू इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, इसका लिंक भी भेज दूंगा ताकि आप अच्छे से और अच्छे से पढ़ सको। ओके, सो दिस इज अगेन द लास्ट क्वेश्चन। सो दिस इज वी आर डीलिंग विथ। सो यहाँ पे पूछा है कि अननोन कंपाउंड हैविंग 1.1% ऑफ C13 कार्बन, 1.1% ऑफ 13 C एटम, ठीक है, हैज ए मोलिकुलर आयंस। इसमें मोलिकुलर आयंस हैं,
एम प्लस एंड एम प्लस वन प्लस, ठीक है। रिलेटिव एबंडेंस कितना है? 54.5%, 3.6%, ठीक है। तो देखो बोला क्या गया है, बोलता है कि द एम प्लस वन पीक इज कॉज्ड बाई द प्रेजेंस ऑफ 13C आइसोटोप इन ए मॉलिक्यूल, क्लियर है। द सी स्टेब इज ए स्टेबल आइसोटोप, 13C जो है, 13C इज ए स्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन, डोंट कंफ्यूज विद 14C, 14C जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, जिसको हम रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए यूज करते हैं, बट कार्बन 13 जो है वो 1.11% ऑफ कार्बन एटम्स को ऑक्यूपाई करता है पूरे यूनिवर्स में, क्लियर है। तो इस चीज को याद रखना ध्यान से, इसमें गलती मत करना, क्लियर है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा देखो बताते हैं। कार्बन एटम विल बी इक्वल टू एबंडेंस ऑफ एम प्लस वन प्लस अपॉन 1.1% एबंडेंस एम प्लस, ये होगा फॉर्मूला, क्लियर है। ये आपका फॉर्मूला है इसको निकालने का। इसका फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे देखो, सी एटम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3.6%, ठीक है, और यहाँ पे 1.1% दिया था, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.11 इंटू 54.5%, ठीक है। तो ये परसेंट परसेंट को मैं कटआउट कर देता हूँ, यहाँ पे काट दो, ये सिंपली क्या बन जाएगा, 0.0665 अपॉन 0.011, तो अप्रोक्सली 6% है, 6 है, अप्रोक्सली 6% नहीं, आंसर इज 6, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर है वो 6 है, ठीक है, 6 कार्बन एटम, ये फॉर्मूला है, ठीक है, आंसर। आई होप कि ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अगर ये लेक्चर में आपको अभी भी डाउट्स हैं बहुत सारे जगहों में, तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, एंड वी विल डेफिनेटली रेक्टिफाई ऑल योर डाउट्स, एंड होपफुली दिस विल बूस्ट अप फॉर योर जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम। सो आई ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेएनयू 2022 एग्जाम, ओके। सो ऑल थैंक्स to you guys. Have a nice day.